वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और स्टार्ट करते हैं हमारी तीसरी क्लास है मनी एंड बैंकिंग की। और आज कोशिश करेंगे कि जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं चैप्टर की उनको फिनिश करके हम लोग नए चैप्टर पर पहुंचे। देखिए थोड़ा सा इतिहास हम देखेंगे कि भारत में किस प्रकार से बैंकिंग व्यवस्था का उदय हुआ या डेवलपमेंट ऑफ बैंक जो है बैंकों का विकास कैसे हुआ। तो कुछ फैक्चुअल चीजें देख लेते हैं ना। जैसे आप देखेंगे नंबर वन पे लिखा हुआ एजेंसी हाउस है ना। एजेंसी हाउस क्या है, अब आप देखिएगा हमारे यहाँ अंग्रेजों से पहले तो बैंकिंग व्यवस्था थी नहीं है ना। आधुनिक भारत जब से स्टार्ट हुआ मतलब अंग्रेजों के बाद से या अंग्रेजों से पहले से जो बैंकिंग व्यवस्था चालू हुई उसमें एजेंसी हाउस ने बैंकिंग सेवाएं देना देश में प्रारंभ किया था है ना। तो अब क्या करते थे एजेंसी हाउस वाले लोग, वो आप देखिएगा रिसीविंग करते थे, डिपॉजिट करते थे और मेकिंग एडवांस एंड इशूइंग पेपर मनी। मतलब पेपर मनी जो है बैंकिंग व्यवस्था से पहले एजेंसी हाउस काम एक कर चुका है, जो सामान्य तौर पर जो बैंक काम करता है ऐसी सेवाएं एजेंसी हाउस ने दी। उसके बाद देखेंगे बैंक ऑफ हिंदुस्तान, आपको याद रखना है ये मतलब द फर्स्ट यूरोपियन बैंक इन इंडिया है ना। और इसमें क्या है, एक तो याद रखिएगा किस कंपनी के द्वारा इसको चलाया गया, जो अलेक्जेंडर एंड कंपनी थी ठीक है। हिंदुस्तान बैंक के बारे में जानेंगे, फर्स्ट यूरोपियन बैंक इन इंडिया है ना। वेरी गुड मॉर्निंग जितेंद्र कुमार है ना, पी सिंह गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग भाई सभी को। और प्लीज सब लोग आ जाइए जल्दी जल्दी से और लाइक और शेयर करते रहिएगा। आज की क्लास में आपके परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलेगी। तो प्लीज डायरी रखिएगा, नोट्स रखिएगा, नोट करते हुए चलेंगे है ना। तो बैंक पहला क्या था, देखिए एजेंसी हाउस इंडिया में जिसने बैंकिंग की सेवाएं, जस्ट लाइक बैंकिंग फंक्शंस जो कि बैंक जो सेवाएं देती है उसी प्रकार की सेवाएं देश में देना प्रारंभ किया। और उसके बाद में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की बात करेंगे, एक पहला यूरोपियन बैंक भारत में था जिसने अपनी सेवाएं देना प्रारंभ किया। और वनडे एग्जाम में आप देखेंगे है ना, आई एम वेरी गुड एंड होप आप भी गुड है ना राजी प्रसाद ठीक है। लाइक और शेयर करते रहिएगा प्लीज है ना, थैंक यू ना। देखिए तो इसमें क्या है कि हिंदुस्तान बैंक की बात करेंगे, 1770 में इसने भारत में अपनी सेवाएं देना प्रारंभ किया। और किस कंपनी के द्वारा ये हिंदुस्तान बैंक भारत में अपनी सेवाएं दे रहा था, उसका नाम है अलेक्जेंडर एंड कंपनी ठीक है। चलिए थर्ड वन देखिए जल्दी जल्दी से देखिएगा, द बैंक ऑफ कलकत्ता की बात करें तो ये 1806 में इसने काम मतलब इसका प्रपोजल आया था और 1809 में जो है इसने मतलब इसका नाम चेंज किया गया। याद रखिएगा पहले बैंक ऑफ कलकत्ता था 1806 में और 9 में क्या हो गया, बैंक ऑफ बंगाल हो जाता है। तो अगर याद रखिएगा इसका हो सकता नाम पूछ ले, नाम चेंज वाला अगर कुछ पूछा जाए तो 1806 जो हो जाएगा वो आपका क्या होगा, बैंक ऑफ कलकत्ता। एंड 1809 की बात जब की जाएगी तो उसका नाम क्या हो जाएगा, बैंक ऑफ बंगाल हो जाएगा ठीक है। चलिए दूसरा देखिएगा, बैंक ऑफ बॉम्बे की अगर बात करें 1840, उसके बाद बैंक ऑफ जो मद्रास की बात करेंगे वो 1843 है ना, मद्रास मतलब चेन्नई ठीक है। अब एक चीज देखिएगा महत्वपूर्ण, जिनको मतलब बिहार दरोगा देना है ना, या दिल्ली मतलब दिल्ली पुलिस का देना है, तो हो सकता है ये पूछ ले कि इन तीनों बैंक में सबसे पुराना बैंक कौन सा है। तो भाई याद रखिएगा कलकत्ता सबसे पहले, जो कि बैंक ऑफ बंगाल आपका बनता है, और उसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे आता है और बैंक ऑफ मद्रास थर्ड बनाता है। ये तीनों बड़े महत्वपूर्ण है। अभी नोट जो नीचे लिखा हुआ नोट तक समझेंगे पहुंचेंगे तो आपको समझ आएगा। तो प्लीज एक बार ध्यान रखिएगा कि इन तीनों बैंक में सबसे पुराना कलकत्ता, उसके बाद बंबई, और उसके बाद में उस जमाना मुंबई हुआ करता था जो कि आज मुंबई है ना ठीक है। अब उसके बाद में आया आपका बैंक ऑफ मद्रास। नोट देखिए, नोट आपको समझ आएगा, ये सभी बैंक जो है इनको मर्ज 1921 में ये कहलाए आपके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1921 में यही तीनों बड़े बैंक आपस में मर्ज कर दिए गए और इनका नाम क्या हो गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद क्या होता, इन नोट मैंने लिखा हुआ एग्जाम में कई बार पूछा जाता है ठीक है, इंपीरियल बैंक 1921 ठीक है। उसके बाद यही सब बैंक जो है 1955 में इंपीरियल का इंपीरियल बनते हैं 1921 में, और 1955 में इसका नाम हो जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आई थिंक समझ आया होगा, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसमें कुछ समझना नहीं, आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है ठीक है। चलिए आगे देखिए, आज जल्दी जल्दी से ये मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें हैं सीधा आती हैं, तो इसको सीरियस लीजिएगा ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ठीक है। देखिए अलाहाबाद बैंक की बात करें अगर है ना, तो अलाहाबाद बैंक की अगर बात की जाएगी ठीक है, ये देखिएगा
1865 सन याद रखिएगा 1865, इसका हेडक्वार्टर पहले कलकत्ता में हुआ करता था ना, तो ये कलकत्ता वाला देखिएगा, ठीक है। आगे देखिए इनका सन जरूर याद रखिएगा, इनका ऑर्डर पूछ लेते हैं। उसके बाद अवध कमर्शियल बैंक की बात करें, अवध कमर्शियल बैंक की बात करें तो ये हुआ आपका 1881 में, इनका सन आपको याद रखना है, ठीक है। और फैजाबाद मतलब अवध बोले तो क्या है, लखनऊ के आसपास का क्षेत्र, स्पेशली फैजाबाद, ठीक है। तो ये सन जरूर आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब आपको अवध बैंक के बारे में याद रखना है, जो फैक्चुअल चीज क्या है कि इंडियन के द्वारा इसे जो फंक्शन किया जाता है, मैनेज्ड बाय इंडियंस अगर बात की जाए। अब देखिए प्रश्न ये हो सकता है कि भारत का पहला ऐसा बैंक जिसको भारतीयों के द्वारा मैनेज किया गया, प्रबंधन जिसका भारतीय लोगों ने किया है, वो आपका अवध बैंक हो जाएगा। और पूरी तरीके से हिंदुस्तानी बैंक पंजाब नेशनल बैंक होगा, पंजाब नेशनल बैंक होगा। और इसका सन क्या है वो देखिएगा 1894, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आते रहते, भारतीयों के द्वारा प्रबंधित बैंक अवध हो जाएगा पूरी तरीके स्वदेशी या इंडियन बैंक, तो आपका पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बैंक ऑफ इंडिया 1906 में आता है, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में आता है। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, है ना, तब भारत में बैंकिंग क्राइसिस आया था। आना भी मतलब बिल्कुल ऑब्वियस है, बहुत ही मतलब प्राकृतिक है, ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और ये समय सीमा लिखी हुई 1914 से 1918 के बीच जब विश्व युद्ध चला था उसमें भारत में बैंकिंग समस्याएं देखने को मिली थी, बैंकिंग प्रॉब्लम्स इन इंडिया, ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब देखिए आगे क्या है, आगे आप लोगों समझ आ रहा होगा क्या है, हमें आना कहां पर है, आरबीआई पर, जो कि हमारी क्या है, केंद्रीय बैंक है। और बहुत सारे काम आरबीआई करता है, आज समझने की कोशिश करेंगे कि आरबीआई के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि आपकी परीक्षाओं में आती है। और एक बात फिर मैं बता रहा हूं कि जो दिल्ली पुलिस हो गया या बिहार दरोगा हो गया या इस टाइप बंडे एग्जाम्स हो गए, उनमें डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करता है, तो प्लीज इसको थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे। और प्लीज लाइक और शेयर करते रहिएगा, सब लोग आ जाइए, अभी सो रहे हैं क्या सब लोग, अलार्म लगा लिया करें एक दो घंटे पहले, है ना, स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा जल्दी उठा करें, ठीक है, अभी कोई आ ही नहीं रहा। प्लीज लाइक और शेयर करते रहिएगा, कमेंट बीच बीच में करते रहिएगा, है ना, आज कोई है ही नहीं है टाइम पे मुझे लग रहा है ना, जितेंद्र कुमार ने बस, जितेंद्र कुमार, पी सिंह, है ना, राजा जी प्रसाद, यही तीन लोग हैं, बाकी सब गायब लग रहे हैं आज, है ना। चलिए खैर देखिए हम लोग रिजर्व बैंक की बात करेंगे, है ना, आरबीआई की बात करें तो ये हमारा केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। और अब क्या करना है, क्या करता है वो हमें देखना है कि मेनली क्या है कि जो इंडियन करेंसी है उसकी सप्लाई को नियंत्रित करता है, जनरली हम लोग यही बात जानते हैं, लेकिन सिर्फ इतना नहीं है, है ना, इससे आगे भी चीजें हैं, वो अभी समझेंगे, थोड़ा हिस्ट्री इसका देख लीजिए। हिस्ट्री क्या है, रॉयल कमीशन, तुरंत नोट करिए, रॉयल कमीशन, है ना, ऑन इंडियन करेंसी, भारतीय मुद्रा पर एक कमीशन बना था जिसका नाम था रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी। और जिसको, हाँ अब कई सारे लोग आए हैं, अभिषेक सिंह हेलो, हाँ ठीक है भाई, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, अर्चना रानी भी आ गई, राजकुमार वेरी गुड मॉर्निंग, चलिए ठीक है भाई, राकेश कुमार जी हाय, ठीक है, नितिन ठीक है भाई, गुड मॉर्निंग, सब लोग प्लीज ऐसे आ जाएंगे तो मुझे भी एनर्जी मिलेगी, है ना, कुछ और मतलब आपको बताया जाएगा। तो प्लीज इसको देखिएगा, रॉयल कमीशन को नोट करिए इतिहास में, मतलब इसका अगर आप देखेंगे आरबीआई के इतिहास में, रॉयल कमीशन की बात की जाएगी, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी, जिसको हम हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जानते हैं। ये प्रश्न आया हुआ है कि आरबीआई के लिए कौन सा कमीशन बना था, वो हो जाएगा आपका हिल्टन यंग कमीशन, और उसी को बोलते हैं रॉयल कमीशन, ठीक है, क्योंकि इसके चेयरमैन मिस्टर हिल्टन हुआ करते थे, इसीलिए उसको बोलते हैं हम हिल्टन कमीशन, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आया 1934 में, इस कमीशन ने सजेस्ट किया, रिकमेंड किया, है ना, सिफारिश करी, उसके बाद में एक एक्ट बना 1934 में, और उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काम करना चालू किया, है ना, वो आपका 1 अप्रैल 1935, और कहां से, कलकत्ता से, है ना, भारत की राजधानी दिल्ली और मुंबई जो भी बात बनी, मुंबई राजधानी हुए, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना। तो अगर बात किया जाए, हाँ वेरी गुड पी सिंह, आरबीआई एक्ट 1934, शाबाश भाई, हाँ ठीक है, सौरभ कुमार हेलो जी गुड मॉर्निंग, है ना, नितिन जी गुड मॉर्निंग, सौरभ कुमार फिर से गुड मॉर्निंग, ठीक है भाई। चलिए अब लग रहा, अच्छा सब लोग, आप लोग कमेंट कर रहे हो, है ना, लाइक कर रहे हो, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है ना। देखिए उसके बाद एक चीज याद रखिएगा, अब फिर से आप ये टोटल क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सर ओ स्मिथ वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये प्रश्न अगर पूछा जाए
कि भारत मतलब भारत की जो केंद्रीय बैंक है उसके प्रथम गवर्नर कौन थे, मिस्टर ओ स्मिथ हुआ करते थे। उसके बाद देखिए जो अगली फिर से महत्वपूर्ण सूचना है कि 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीयकृत किया गया किसको, आरबीआई को, ठीक है ना। हाँ भाई ठीक है, मिस चिन्नू चौधरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मयंक भी आ गए, वेरी गुड, राधे राधे भाई, राधे राधे, है ना, प्रीति भी आ गए, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। देखिए तो ये क्या है, 1949 में क्या हुआ, ये मतलब राष्ट्र को समर्पित हो गया, मतलब नेशनलाइजेशन किया गया इसका, राष्ट्रीयकृत किया गया। तो ये बात समझिएगा इसमें क्या, ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप, मतलब एक चीज देखिएगा, एक लाइन है हालांकि पॉलिटी की है ना, तो हमारे जो चीज सरकारी हो जाती है, जो सार्वजनिक हो जाती है, जो पब्लिक सेक्टर में हो जाती है, इसलिए बोलते हैं पब्लिक टर्म। देखिए कि यहां पर क्या होगा, जो गवर्नमेंट काम करती है वो जनता की सरकार है, जनता के द्वारा है और जनता के लिए है ना। तो जो भी सरकारी चीजें वो सार्वजनिक कहलाती है। जैसे आप जाएंगे रेलवे स्टेशन, देखा होगा कि आपकी संपत्ति, इसका ख्याल रखें, इसका मतलब ये नहीं कि बेंच उठा के अपने घर ले आए, है ना, वो आपकी संपत्ति मतलब हम सबकी, सारे लोगों की संपत्ति है, और सफाई का ध्यान, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान हम ही आपको रखना है, ठीक है। खैर तो ये आरबीआई क्या हो गया, पब्लिक ओनरशिप में चला गया, कब आपका ये 49 में इसको जो है नेशनलाइजेशन इसका किया गया। गवर्नर देखिए सीडी देशमुख, ये इंडियन इंडिपेंडेंस की बात करें तो उस समय कौन थे आपके, सीडी देशमुख थे, आरबीआई गवर्नर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा, है ना, बंडे एग्जाम का है कि देखिए एल के झा का नाम मैंने क्यों स्पेशल लिखा, क्योंकि जब 1969 में इंडिया में क्या हुआ कि हमारे 14 बैंकों का जो है क्या हुआ, प्राइवेट बैंक को हमने क्या किया, नेशनलाइज किया, है ना, राष्ट्रीयकृत इन 14 बैंकों को, प्राइवेट बैंकों को जब किया गया, कब, 1969 में, है ना, उस समय आरबीआई के गवर्नर एल के झा थे। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका, जब 14 बैंकों का, एक तो क्या प्रश्न आएगा कि जब 14 बैंक का एक साथ मर्जर किया गया किस सन में, तो वो 69 हो जाएगा, ठीक है, उस समय कौन गवर्नर था, एल के झा साहब थे, ठीक है, ये कुछ चीजें आपको याद रखनी होगी। और महत्वपूर्ण सूचना अलग से क्या है, उस समय इंदिरा गांधी जी थी, है ना, तो वो क्या थी, प्राइम मिनिस्टर भी, मतलब प्राइम मिनिस्टर भी थी और वित्त मंत्री भी भारत की थी, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है इंदिरा जी के बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे हम करते हैं। अब देखिए जो आरबीआई करता क्या, उसके मेन फंक्शन, हेडिंग देखिएगा इसमें क्या है, आरबीआई के जो मुख्य कार्य हैं वो क्या है, उनको एक बार हम लोग देख लेते हैं, नजर डाल लेते हैं, ठीक है, कि भाई इनके आरबीआई के महत्वपूर्ण कार्य क्या है, या आरबीआई क्यों बना, ठीक है। हाँ वेरी गुड मॉर्निंग प्रीति सोलंकी जी, है ना, मयंक चाहर, राधे राधे जी भाई, है ना, सब लोग फिर से मतलब कहाँ गायब हो गए, अभी सब एक साथ आ गए थे फिर गायब हो गए, ठीक है। आई थिंक ये आपको पिक्चर क्लियर नहीं हो रही होगी, तो मैं बोलता रहूंगा, जहां फिंगर रखूंगा आप समझ जाइएगा, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। चलिए देखिए इसमें फंक्शन बात करें, एक तो नंबर वन, जहां मैंने ये पेन रखा हुआ है, ये लिखा हुआ है नोट इशू एजेंसी, नोट इशूइंग एजेंसी, मतलब जो मुद्रा जारी करता। तो आरबीआई का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है, मुद्रा जारी करना। दूसरा क्या है, बैंकर्स बैंक, बैंकों का भी क्या है, ये बैंक है, बैंकों का भी ये बैंक है। हाँ वेरी गुड मॉर्निंग, है ना, ठीक है भाई। अच्छा आदित्य जी आ गए, है ना, वेरी गुड मॉर्निंग भाई, सब लोग तेजी से आ जाइए, है ना, पता नहीं कहाँ गायब होगा सब लोग, ठीक है। आप लोग रहते हो तो एनर्जी रहती है ना, देखा होगा जब आप लोग आते हैं मेरी आवाज बढ़ जाती है ना, तो अकेला मत छोड़े प्लीज, सब लोग साथ रहें। देखिए पहला क्या हो गया, नोट इशूइंग एजेंसी मतलब करेंसी जारी करता है, है ना। दूसरा क्या है, बैंकर्स बैंक। फिर उसके बाद कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, मतलब क्रेडिट को नियंत्रित करती है। अभी समझाऊंगा सारी बातें, बस लिख लीजिए, मतलब पहले लिखना चाहिए, बैंकर टू द गवर्नमेंट, मतलब सरकार का भी बैंक है आरबीआई, सरकार को जब भी जरूरत पड़ता है जो पैसा कौन देता है, आरबीआई देगा, ठीक है। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, है ना, तो ये सबको लोन देता, बड़ी बैंक है ना, तो समझ माना चाहिए। ये क्या करता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसको भी नियंत्रित करता है केंद्रीय सरकार के आदेश पर, है ना, मैनेज्ड एक्सचेंज रेट भी करता, करेंसी भी करता है ना। और उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि भारत में, हमारे देश में जो प्राइस स्टेबिलिटी है ना, प्राइस स्टेबिलिटी का काम भी ये आरबीआई ही करता है। अब एक एक करके समझ लेंगे, जैसे जैसे आते रहे आगे बढ़ेंगे, उस एक एक हर टॉपिक को हम लोग कवरअप करेंगे, ठीक है। अच्छा सुबोध कुमार गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग सुबोध जी, है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते भी हुए चलेंगे, ठीक है। और समझना क्या है, वो आपका मॉनेटरी पॉलिसी है, इसको हमें समझना है, ठीक है। देखिए मौद्रिक नीति आप याद रखिएगा, 2016 की बात है कि हमारे गवर्नर थे उर्जित पटेल साहब। तो उर्जित पटेल जी जब आए तो उनके समय में, है ना,
अरे भाई सुबोध जी, वेरी गुड मॉर्निंग भाई, थैंक यू सो मच, आपको अच्छी लगी क्लास, है ना। चलिए देखिए, अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वो देखिएगा आने वाले समय में आपको कई सारे एग्जाम्स में दिखाई देंगे, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। 2016 में एक परिवर्तन आया मौद्रिक नीति में, परिवर्तन क्या आया, जारीकर्ता कौन रहेगा, उसमें एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। उसमें गवर्नर थे मिस्टर उर्जित पटेल, है ना, ठीक है। उससे पहले क्या थे, रघुराम राजन जी थे, है ना। तो मतलब टिल द रघुराम राजन क्या होता था, जो मौद्रिक नीति आती थी, मौद्रिक नीति पर टोटल नियंत्रण था आरबीआई का। मौद्रिक नीति मतलब ऐसे बात समझिए, अभी सब समझेंगे, अभी के लिए फिलहाल इतना समझिए कि मौद्रिक नीति एक ऐसी नीति है जिसके द्वारा आप अपने देश में, अपनी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का संचरण नियंत्रित करते हैं, जो करेंसी का फ्लो है वो कैसे मैनेज किया जाए ताकि किसी को दिक्कत ना हो, है ना। अब क्या दिक्कत है ये सब समझेंगे अभी एग्जाम्पल में, है ना। चलिए, उर्जित पटेल साहब आए, उन्होंने क्या किया, उनके समय में क्या हुआ कि मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी इशू करने के लिए मौद्रिक नीति कमेटी बनाई गई। बात समझ आए, इससे पहले क्या होता था, पूरा का पूरा डोमेन था आरबीआई के पास। लेकिन अब 2016 में क्या हो जाता है कि जब उर्जित पटेल साहब थे, उन्होंने मौद्रिक नीति जारी करने के लिए मौद्रिक नीति कमेटी की व्यवस्था हुई सरकार, मतलब अब जो प्रबंधन है वो ये है। तो मौद्रिक नीति कमेटी बन गई, उसमें 6 लोग होंगे, याद रखिएगा। बिहार पीसीएस ने भी पोस्ट में पूछा, यूपी पीसीएस भी पूछ चुका, तो प्लीज इसका महत्व समझिए। मौद्रिक नीति कमेटी में टोटल मेंबर कितने होते हैं, 6 मेंबर्स, 3 आरबीआई के होते हैं और 3 लोग जो है सरकार नॉमिनेट करती है। अभी समझेंगे क्या है, तो थोड़ा सा मौद्रिक नीति क्यों महत्वपूर्ण है इसको समझ लेंगे, पहले पढ़ते हैं, फिर आपको डायग्राम के थ्रू मैं कुछ बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, ये एक तो मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब का हिस्सा है, याद रखिए, क्योंकि यही तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को क्या करता है, नियंत्रित करता है। और एक बात याद रखिएगा, ऐसी ऐसी कोई भी नीति या ऐसा कोई भी डिस्कशन या ऐसी कोई प्लानिंग जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करे उसको बोलेंगे मैक्रो। और अगर आरबीआई ब्याज दर बढ़ा दे तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेकर के कन्याकुमारी तक हर जगह इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इट मींस कि मॉनेटरी पॉलिसी इज द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, आई थिंक समझ आया होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सुबोध कुमार जी, है ना, थैंक यू सो मच। देखिए, आप लोगों को प्यार मिलेगा तो और एनर्जी मिलेगी, है ना, और सब लोग आ जाइएगा, ठीक है, सब लोग टाइम से आ जाया करें प्लीज। और कुछ नहीं समझ आता है आप लोग बोल सकते हैं, कुछ अगर मैं जल्दी करा रहा हूं, स्पीड कम है ज्यादा है, जो भी आपको फील हो आप बताएंगे तो उसी हिसाब से करेंगे। मेरा उद्देश्य सिर्फ यह है कि जो भी डिस्कशन यहाँ पर हो उसका लाभ आपको मिले निकट भविष्य में, जो भी आप परीक्षा देने जा रहे हैं, है ना। चलिए, तो इसका देखिए, अब क्या है कि अब ये डिमांड साइड, अभी समझ आएगा क्यों डिमांड साइड, उससे पहले आप ये देखिएगा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आप ये समझ जाएंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सरकार क्यों लाती है, तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। वो कैसे, देखिए, ऑब्जेक्टिव क्या, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन बोले तो महंगाई, मुद्रा स्फीति, इसको समझेंगे अभी, है ना। यही समझ आ गया तो बाकी यहाँ आपको ग्रोथ एंड लिक्विडिटी वगैरह सब समझ आ जाएगा। तो अब हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते, ठीक है। अच्छा, ये आदित्य गेमिंग जी, हाँ देखिए, मैक्रो पॉलिसी क्या होता है, ठीक है, अच्छा ठीक है, स्लोली बताएंगे भाई जितेंद्र जी, ठीक है। चलिए, आपका रिस्पांस आ रहा उसी हिसाब से किया जाएगा। देखिए, फिर से ध्यान से समझिएगा, अगर आरबीआई या केंद्र सरकार, है ना, वित्त मंत्रालय हमारा, कोई ऐसी प्लानिंग करता है, किसी ऐसे मुद्दे पर डिस्कशन करता है जिसका प्रभाव पूरे देश में दिखाई दे, जैसे कि बेरोजगारी, तो बेरोजगारी की समस्या पूरे देश में है, तो ये हो जाएगा मैक्रो, MA, मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा। और अगर कोई ऐसी प्लानिंग है जिसका प्रभाव सीमित हो, जिसका प्रभाव लिमिटेड हो, तो वो हो जाएगा माइक्रो, MI, माइक्रो इकोनॉमिक का हिस्सा, ठीक है। और चूंकि आरबीआई तो भारत की बैंक है, ये जो भी निर्णय लेगी, जो भी यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस आएगा, उसका प्रभाव पूरे देश पे पड़ेगा, इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हमें समझना है कि मॉनेटरी पॉलिसी का बेसिकली मतलब, हाँ वेरी गुड मॉर्निंग राजेश यादव जी, है ना। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी का क्या संबंध है और ये क्रेडिट कंट्रोल क्या है, महंगाई को कैसे नियंत्रित करेगी, ये बात थोड़ी समझनी, ठीक है। चलिए,
हाँ भाई, बाकी सब लोग कहाँ गायब हो गए है ना। प्लीज लाइक शेयर करते रहिएगा सभी लोग है ना, और यही एनर्जी देती है किसी भी टीचर को। अगर आप लोग लाइक लाइक करेंगे, शेयर करेंगे है ना, कमेंट करते रहेंगे तो एनर्जी मिलती रहेगी है ना। थैंक यू है ना, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं थैंक यू सो मच। और बाकी सब लोग आ जाए करें टाइम से, ठीक है। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, बात को समझेंगे। हमारे यहाँ केंद्रीय बैंक क्या है? आरबीआई। और अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि आरबीआई के मुख्य कार्य में से एक काम क्या है, यह भी है कि ये बैंकों का बैंक है। मतलब यह है भाई कि आरबीआई जो है बैंक को लोन देता है, पैसा देता होगा, ठीक है। चलिए मान लिया एक रेट है, ऐसे अभी कोई नाम मैं नहीं लूंगा, आगे सब समझूंगा, बस ये डायग्राम याद रखिएगा। आरबीआई से पैसा जाएगा बैंक में, और बैंक से पैसा लेंगे हम लोग, लेंगे बड़े लोग भी, टाटा जी भी लेंगे है ना, और मान लिया राम जो है मिस्टर राम भी लेंगे है ना, मिस्टर मोहन भी लेंगे, मतलब सब लोग पैसा लेते हैं बैंक से ही लेंगे। ये हो सकता कार खरीदने जाएं, ये हो सकता अपना घर बनाए अपनी जरूरतें हैं, और टाटा जी हो सकता है ये निवेश करें, इन्वेस्टमेंट करें, कार की कंपनी खोलें, सबकी अपनी अपनी जरूरतें हैं, ठीक है। अच्छा अंसार अली सर, आपकी क्लास आज पहली बार कर रहा हूँ सर, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हूँ, ये मेरा ऑफिस जाने का टाइम है सर, एक क्लास आपकी इवनिंग में है क्या? अरे अंसार अली पहली बार तो थैंक यू सो मच कि आपने इतना सारा लंबा कमेंट लिखा। इवनिंग में अभी नहीं, लेकिन जल्दी ही प्लान होगी, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। और बाकी अगर आप अभी ऑफिस में हैं तो इथिकल वैल्यूज ये है कि आप अपना काम ऑफिस में करिए, बाकी आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं ना, बाकी जैसा अगर चेंज होगा मैं आपको तुरंत ही बताऊंगा, ठीक है। हाँ दिल्ली पुलिस का, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। चलिए देखिए, तो अब आरबीआई से लोन कहाँ आया? बैंक में है, और बैंक से क्या हो जाएगा? पूरे कंट्री में सबको लेना, कॉमन मैन को लेना, हमें भी लेना, आपको भी लेना, सभी लोग लेंगे। अब थोड़ा देखिएगा, अगर मान लिया छोटा मतलब एग्जाम्पल लेंगे, 100 रुपीज या 100 करोड़ भी हो सकते हैं, आप 100 रुपीज लीजिएगा। आरबीआई ने बोला आप हमसे 100 रुपीज ले जाइए, लेकिन आपको 5 रुपीज बैंक रेट देना पड़ेगा, या कोई ब्याज, अभी मान लीजिए सिंपल मान लीजिए कि आपको 5 रुपए हमें देना पड़ेगा। तो बैंक ले आया, अब भाई देखिए बैंक को पता है कि 100 रुपए में 5 तो हमें आरबीआई को वापस करना पड़ेगा, करेक्ट है ना। तो बैंक हम लोगों को तो 7 रुपए में देगा भाई, 2 रुपए अपना भी तो रखेगा, नहीं तो बैंक चलेगा कैसे, समझ आई बात नहीं? हाँ अंसार अली भाई ठीक है, वेलकम जी। तो देखिए बात समझिए, अगर आरबीआई को 5 रुपए देगा ब्याज का बैंक, तो हमसे 7 लेगा, 5 उधर देगा, 2 रुपए अपने पास में तो रखेगा, तभी तो अपना फंक्शन चल मतलब कंटिन्यू कर पाएगा ना। तो ठीक है, तो मिस्टर मोहन जब लेने जाएंगे तो इन्हें ब्याज 7 रुपए देना पड़ेगा, लेके कितना है 100 रुपए देना है, ब्याज कितना पड़ा 7 रुपए। मिस्टर राम भाई लेने जाएंगे तो ये भी 100 रुपए लेके आएंगे, 7 रुपए देना पड़ेगा। अभी सिंपल बातें समझेंगे है ना, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां से एक बड़ी चीज निकलेगी वो देखिएगा। और टाटा जी हैं तो इनको भी 7 रुपए देना पड़ेगा। अब बात समझिए, अगर अगर आरबीआई चाहे कि बाजार में बैंकों के पास पैसा थोड़ा सा कम किया जाए, तो वो क्या करेगा? जो 5 रुपए ले रहा था बोलेगा भैया अब ब्याज हम लेंगे बैंकों से 7 रुपए, तो बैंक भी बोलेंगे हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देना इन्हें थोड़ी है, बात समझ आई? देना इन्हें थोड़ी है, किसे देना है वो देखिए। तो बैंक भी बोलेगा इन लोगों से कि जो आप लोग 7 रुपए दे रहे थे अब 9 रुपए देना है, अब 9 रुपए देना पड़ेगा सभी लोगों को, बात समझ आई? तो जब आप देखिए, आप भी कॉमन मैन है, मैं भी कॉमन मैन हूं, जब मुझे ब्याज 7 रुपए पे मिल रहा था, 7 रुपए सैकड़ा पे मिल रहा था, तब मैं क्या करूंगा, और अब 9 रुपए मिल रहा है, तो जब 9 रुपए ब्याज दर हो जाएगी तो मैं बहुत जरूरत होगी तभी ब्याज मतलब लोन लूंगा, अदरवाइज लोन नहीं लूंगा, समझ आई बात नहीं? तो जब ब्याज दर बढ़ जाती है आरबीआई की, इसका सीधा मतलब है, इसका सीधा मतलब क्या है देखिए, जब आरबीआई में क्या हो जाएगा, ब्याज दर जब बढ़ेगी, इसके सीधा मतलब है कि आरबीआई चाह रहा है कि भाई अब मार्केट में पैसा कम किया जाए, समझ आई बात नहीं? अच्छा ठीक है सुबोध जी, ठीक है। देखिए अभी आरबीआई ने 100 रुपए ब्याज दिया था बैंकों को, भाई आप 100, देखिए आरबीआई ने अभी बैंकों को पैसा दिया 100 रुपए, और क्या बोला कि भाई मुझे 5 रुपए ब्याज चाहिए, तो बैंक अपना भी कमाएंगे, और अब बैंक जब हम लोगों को पैसा देंगे तो उन्हें पता 5 रुपए तो वापस करना पड़ेगा मुझे, तो वो 5 से ज्यादा लेंगे, हमसे 7 रुपए ले रहे थे, ठीक है।
और लेकिन अगर अब आरबीआई या सरकार को ये महसूस हो जाए कि देश में हमारी अर्थव्यवस्था में पैसा ज्यादा है तो लोन हमें कम देना है, तो यहाँ आरबीआई क्या करेगा, ब्याज दर 5 रुपए की जगह 7 रुपए कर देगा। जब बैंक को आरबीआई को ही 7 रुपए देना होगा तो वो हमसे भी 9 रुपए लेगा, 2 रुपए अपने आप भी तो कमाएगा, वरना बैंक बंद नहीं हो जाएगा। समझ आई बात नहीं? तो मतलब क्या है कि जब बैंक कोई भी दर बढ़ा देता है तो फिर बाजार में पैसा कम हो जाता है, लोन लोग कम लेते हैं। फिर से एक बार समझने की कोशिश करेंगे ये, क्योंकि ये महत्वपूर्ण चीज है ना। ठीक है, चलिए देखिए भाई, आरबीआई और आरबीआई लोन देता है बैंक को और बैंक देता है हम लोगों को। ठीक है, तो इसमें मतलब क्या हो जाएगा, सभी लोग हो जाएंगे। तो इसमें सिर्फ अभी एक एग्जांपल लेंगे, मतलब मिस्टर मोहन कर लेते। ठीक है, जैसे मान लिया कि अगर 100 रुपए आरबीआई से बैंक लेके आया, उसे 5 रुपए देना पड़ेगा, तो बैंक से मोहन को जब 100 रुपए मिलेगा तो मोहन से मान लिया 5 रुपए इसे यहां देना है, तो 2 रुपए ज्यादा ही लेगा ना। अब समझने के लिए, 2 रुपए ज्यादा लेगा ताकि क्या हो जाए, उसको 2 रुपए बचेगा तभी तो बैंक चलेगा, बैंक डूब जाएगा ना, फ्री थोड़ी बैठा है वो काम करने के लिए, है ना। अच्छा भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, कमेंट नहीं देख पाए। अच्छा बनीर जी, है ना, जी सिंह, चुपचाप रहो तुम, कौन भाई। अच्छा ठीक है, आपस में बात मत करिए, है ना। ठीक है, सब लोग आपस में बात मत करिए, थोड़ा सा अब टेक्निकल टर्म हम लोग समझ रहे हैं, तो प्लीज एक दो बार नहीं समझ आएगा फिर से बताया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, आरबीआई से बैंक लेके गया 5 रुपए, तो बैंक हमें 7 रुपए सैकड़ा पे देगा। अब देखिए, अगर सरकार को बाजार में पैसा कम करना हो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो ब्याज अभी 5 रुपए था इसको वो क्या करेगा, ब्याज की दर को बढ़ा देगा, 7 रुपए कर देगा। और जब 7 रुपए बैंक को ही देना पड़ेगा तो बैंक भी तो हमसे 9 रुपए लेगा। आप देखिए, मान लिया आपने प्लानिंग कर ली हो कि दशहरा आएगा, बाइक खरीदेंगे, क्योंकि ब्याज दर क्या है, जुलाई में आप प्लानिंग कर रहे हैं कि दशहरा आएगा, बाइक खरीदेंगे, क्योंकि ब्याज दर 5% है। लेकिन अचानक ब्याज दर बढ़ गई तो हो सकता है कि आपकी प्लानिंग चेंज हो जाए, आप क्या करेंगे, यार अब होली मिलेंगे, अभी ब्याज दर क्या हो गई बैंक की, बढ़ गई। मतलब समझ आई बात नहीं, कि पैसा को अगर आरबीआई कोई भी दर बढ़ा देगा तो बाजार में लोन लेने वालों की जो संख्या है वो कम हो जाएगी, जरूरत पर ही जो है लोन लिया जाएगा। ठीक है ना। अच्छा सौरभ शर्मा, अब एक्स्ट्रा कमेंट मत करो। अच्छा आप कोई भी, हाँ जी जी जी, अच्छा आपस में बात चल रही भाई। देखिए एक चीज समझिएगा, अब थोड़ा जैसे जैसे हम लोग टेक्निकल टर्म की तरफ बढ़ेंगे ना, तो आपका थोड़ा सा ध्यान चाहिए होगा, थोड़ा अटेंशन चाहिए होगा, तो प्लीज थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, है ना। चलिए, और देखिए सभी लोग, आप लोग सब पुलिस में जाने वाले हैं, कोई कहीं जाएगा पुलिस में जाएगा, देश की सेवा करेंगे, है ना, तो थोड़ा सा आप ध्यान भी देते रहिएगा और वो चीजें भी अपने अंदर डेवलप करते रहिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये प्रोसेस हो सकता थोड़ा बहुत आपको समझ आया हो। अब एक चीज है कि बाजार में पैसा कम या ज्यादा क्यों करना है, ये बात समझिएगा। चलिए मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, महंगाई या इन्फ्लेशन, तब आपको समझ आएगा। सिर्फ समझाऊंगा इंट्रोडक्शन, इसके टाइप वगैरह नहीं बताऊंगा, अलग से पूरा चैप्टर है इन्फ्लेशन का, वो हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, अभी आपको बता दे रहा हूं ताकि मॉनेटरी पॉलिसी आपको समझ आए। देखिए बात है इन्फ्लेशन की, तो इसको महंगाई बोलते हैं हम लोग आम बोलचाल में, और हम जो अगर लिखेंगे तो मुद्रा स्फीति लिखते हैं। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं होती क्या। पहले आप देखिए, मान लिया आप दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं, इस बात को ढंग से समझिएगा, दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं और आपके पापा जी आपको पर मंथ 10,000 रुपीज देते हैं कि बेटा ये आपका पॉकेट मनी है, तैयारी करिए, 10,000 रुपए आपका खर्चा। तो क्या करेंगे आप लोग, उस 10,000 में एक एक रुपया मतलब ढंग से प्लानिंग के साथ खर्च करेंगे कि भाई आपको 5,000 रुपए क्या है, किराया भी देना होगा पीजी या रूम जहां रहते हैं, 2-3 हजार खाने का देना होगा, 7,000 ऐसे निकल गया। ठीक है, फिर 3,000 बचेगा तो कोचिंग आना होगा, बुक्स लेना होगा, तो ये बेसिक क्या हो जाएगा, बेसिक एक्सपेंडिचर आपका हो जाएगा, करेक्ट है ना। तो अब देखिए 10,000 पिताजी भेजेंगे तो उसमें एक एक रुपया जो है आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे, तो मतलब देखिएगा सप्लाई ऑफ मनी क्या है, लिमिटेड है, तभी तो वैल्यू कर रहा हो ना 100-100 रुपए की। पार्टी नहीं देंगे दोस्तों को, दोस्तों से ले लेंगे और भाई चल ठीक है, समझ रहे बात नहीं। बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए 3 महीने पहले से पैसा बचाना पड़ता है, ये प्रॉपर एक स्टूडेंट की लाइफ जो है मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, ठीक। अब देखिए मतलब पैसा कम आ रहा,
सप्लाई ऑफ मनी आपके पास क्या है, कम है, इसीलिए तो बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं ना आप। और अचानक सोचो कि मान लिया आपके नाना जी मौसा जी कोई दिल्ली घूमने आए, आप उनसे मिलने गए, उन्होंने अचानक आपको जो है 2000 रुपए आपके पॉकेट में आशीर्वाद के रूप में दे दिया। अब आप देखिएगा सप्लाई बढ़ गई 2000 रुपए, जिसकी उम्मीद नहीं थी आपको, अचानक 2000 रुपए आपकी पॉकेट में एक्स्ट्रा आ गया। तो अब ये 2000 रुपए मतलब आप रोकेंगे नहीं, इनको प्लान करने की जरूरत नहीं है, आप क्या करेंगे तेजी से खर्च कर देंगे, दोस्तों को पार्टी देंगे। मतलब यह है जैसे ही उनसे नई दिल्ली स्टेशन पे मिलके आएंगे और रूम पे आते आते सत्यानाश करके ही मानेंगे 2000 रुपए, क्योंकि उस पैसे की वैल्यू कम होगी उन 10,000 की तुलना में, क्योंकि वो 10,000 गिना हुआ लिमिटेड, ये तो आपको एक्स्ट्रा मिल गया। मतलब क्या है कि जो पैसे की अगर सप्लाई बढ़ जाएगी तो उसका मान भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझ आई बात नहीं? तो अब अगर किसी देश में इन्फ्लेशन है तो उसमें पैसे का मान कम हो जाता है, पैसे का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बात हमें समझनी है। ये तो बेसिक एग्जांपल मैंने स्टूडेंट लाइफ से आपको रिलेट किया। अब आप देखिएगा बाकी चीज, अच्छा दूसरा और देखिएगा, ये इकोनॉमिक्स नहीं लेकिन आपको याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं। जैसे मान लिया आपके घर में दो रिश्तेदार हैं जिन पर आपने स्टडी किया कि दो रिलेटिव आपके हैं, एक वो रिलेटिव है जो एक साल में एक बार आएगा, है ना, एक साल में एक बार आएगा, और एक वो रिलेटिव है, मान लिया आपके दो मौसा जी, ठीक है, एक है कि एक साल में एक बार आते, दिवाली में आएंगे, बहुत सारे गिफ्ट लेके आएंगे, मतलब एक ही बार आएंगे। तो उनके लिए देखिएगा पहले मतलब पानी दिया जाएगा, स्वीट्स के साथ में पानी देंगे, फिर चाय के साथ में बहुत सारे टाइप की नमकीन, हल्दीराम नमकीन, ये नमकीन वो नमकीन, फिर बिस्किट देंगे, उसके बाद खाना भी आप देखेंगे पूरी टेबल भरी रहती है ना, जनरली मतलब बता रहा हूँ मैं, कॉमन मैन का बिहेवियर बता रहा हूँ उसको प्लीज, है ना। और एक मौसा जी ऐसे हैं जो हर 15 दिन आ ही जाते हैं, वो रात भर रुके ही जाते हैं, वो जब आ जाएंगे तो हो सकता है उनसे ये कहना पड़ेगा प्लीज चाय बना लीजिएगा 2 कप, एक मेरे लिए एक अपने लिए, ये भी हो सकता है। मतलब क्या है कि जो आदमी कम होगा मतलब कम आएगा, कम विजिट रहेगी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी। अगर जिसकी विजिट बहुत ज्यादा हो जाएगी तो उसका क्या हो जाएगा, उसका सम्मान कम हो जाएगा, उसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। भाई ऐसा नहीं कि पता लगा किसी घर में रियल हो, ऐसा होता हो तो प्लीज मौसा जी का सम्मान करें, है ना, मैं माफी चाहता हूं। खैर इन्फ्लेशन क्या, अगर मार्केट में मुद्रा ज्यादा हो गई तो उसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अगर मुद्रा कम है तो उसका मान ज्यादा हो जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है। तो जब भी मार्केट में मुद्रा ज्यादा हो जाएगा तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई उसको सख्त करने की कोशिश करता है, बाजार से उस मुद्रा को कम करने की कोशिश करेगा ताकि महंगाई ना हो जाए। एक बार महंगाई को फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं अर्थव्यवस्था के टर्म्स में, ठीक है ना। अभी क्या कुछ समझ आया थोड़ा बहुत, एक दो कमेंट करते रहिए जितेंद्र कुमार जी, अच्छा थैंक यू भाई, है ना। देखिए आगे इसको इन्फ्लेशन को समझना है, चलिए तो एग्जांपल लेते हैं, इसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे 2019 और 2020। चलिए इसमें आप 100 रुपए लेकर के अपने घर से निकले और इसमें 100 रुपए लेके निकले, ठीक है, मान लिया रफ कॉपी लेके, मतलब रफ आपको चाहिए था आप लेने का, तो हो सकता है कि 20 रुपीज पर कॉपी मिले आप, ठीक है, तो टोटल इस 100 रुपीज में 5 कॉपी आपको मिल जाएगा, 5 कॉपी आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए और जब आप 2020 में जब गए मार्केट में तो आपने 100 का नोट उसे दिया तो उसने सिर्फ आपको 4 कॉपी दिया, तो आप पूछेंगे भैया 4 क्यों, तो बताएगा कि भाई अब एक कॉपी का दाम 20 रुपए नहीं 25 हो गया है। समझ आई बात नहीं? जब 25 हो जाएगा तो कॉपी कितनी मिलेगी, सिर्फ 4 ही तो मिलेगी। मतलब यह है, अब जो बात कहने जा रहा हूं उसको ढंग से समझिएगा प्लीज, वो क्या है कि यहां पर देखा जाए तो हमारे रुपए की ताकत, खरीदने की क्षमता क्या हो गई, कम हो गई, हमारे रुपए की खरीदने की क्षमता क्या हो गई, कम हो गई, और वस्तुओं का मूल्य क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो यह दशा अगर किसी भी अर्थव्यवस्था मिल जाए जहां पर पैसे का मान कम हो जाए और वस्तुओं या सेवाओं का मान, गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो यही दशा महंगाई कहलाती है। समझ आई बात है? जब भी मुद्रा का मान, है ना, वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाए, कम हो जाए, या उसकी खरीदने की क्षमता कम हो जाए और वस्तुओं का या सेवाओं का, गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू बढ़ जाए, तो यही दशा महंगाई कहलाती है। बात समझ आई? ठीक है, महंगाई कहलाती। चलिए आगे देखते हैं। तो बात समझ, अच्छा महंगाई, मैं महंगाई क्यों बता रहा हूं, मॉनेटरी पॉलिसी को रोक के महंगाई क्यों समझा रहा हूं, अब हम लोग उस चीज तक पहुंचेंगे।
तो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा समझ आया होगा, आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है आदित्य, हाँ ठीक है भाई, क्लियर हो गया, वेरी गुड। तो देखिए क्या है कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, अगर समझ आता रहेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना। लाइक और शेयर प्लीज करते रहिएगा, ठीक है ना। हाँ अच्छा ठीक है भाई, सुबोध जी है ना, ठीक है। बस देखिए आपको समझ आना चाहिए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, यही उद्देश्य है ना। चलिए अब हम लोग समझते हैं, एक एग्जाम्पल और लेना है, ठीक है, तब आपको समझ आएगा। अरे अंसार अली जी हाँ, थैंक यू भाई, है ना, जितेंद्र कुमार, ठीक है भाई। चलो फिर से एक और कोशिश करते हैं 5 मिनट की, तो अगली चीज और समझ आएगी, है ना। उसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं कमेंट आपके, तब पढ़ेंगे। चलिए देखिए, अब मान लिया कि आरबी, बात को समझेंगे, आरबीआई, और अगर आपको यह समझ आ गया तो मैं दावा करता हूं कि आप जो है स्टेट कमीशन तक का पीटी का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आएगा महंगाई या बैंकिंग का तो 100% यू विल डू इट, है ना। ये मेरा चैलेंज है, लेकिन थोड़ा सा प्लीज है ना ध्यान दीजिएगा। आरबीआई ने बैंक को लोन दिया और बैंक ने, टाटा का एग्जाम्पल अगर नहीं लेते हैं, कुछ और लेते हैं है ना, मना टाटा जी रॉयल्टी मांगेंगे, मेरा नाम इतना यूज करते हो, मुझे भी मतलब जो है पैसा चाहिए, फीस चाहिए ना। देखिए तो मान लिए कोई कॉमन मैन, वही मिस्टर राम ले लेते हैं, या राम रहीम मोहन जो भी लिखना चाहे, राम रहीम एक साथ मत लीजिएगा, ठीक है मोहन ले लीजिएगा, है ना। देखिए अब आरबीआई ने टोटल लोन दिया है बैंक को 100 रुपए, 100 मतलब करोड़ भी हो सकता है अपने हिसाब से, ठीक है। हाँ भाई सुबोध कुमार जी, सर एक चीज नहीं समझ पाते हैं कि इसमें ऋणी को किस प्रकार लाभ होता है। अच्छा भैया बताए, बिल्कुल थोड़ा वेट करिए बस, ठीक है। देखिए ये जो आपने प्रश्न पूछा है बहुत ही शानदार प्रश्न, यहां तक आएंगे, ये वाला क्लियर हो, उसके बाद सुबोध जी आपके क्वेश्चन तक मैं आता हूं, ठीक है। चलिए देखिए, आरबीआई ने बैंक को 100 रुपए दिया और बैंक मार्केट में 100 रुपए देगा, ठीक है, लेकिन आरबीआई क्या करेगा, बैंक से 5 रुपए ब्याज दर लेगा और ये भैया 7 रुपए लेगा, क्योंकि 2 रुपए अपने पास भी, तो 2 रुपीज अपने पास रखेंगे, ताकि भाई मतलब क्या हो जाएगा कि इनको अपना भी तो ऑपरेशन कॉस्ट लेना है ना आपसे, ठीक है। हाँ सुबोध जी आपकी बात समझ आ गया, अभी बताऊंगा, बिल्कुल थोड़ा सा वेट करिए। अब देखिए 100 रुपए राम ने ले लिया, तो राम क्या करेंगे, मान लिया ये होम लोन लेके आए 100 रुपीज, उन्हें पता 100 रुपए देना है, उन्होंने कार की डिमांड कर दी, फिर ले आए कुछ और चीज ले लिया, मतलब क्या हो जाएगा, जब पैसा सस्ता होगा तो लोन लेने के लिए लोग ज्यादा जाएंगे बैंक में, मतलब बाजार में पैसा क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा फैल जाएगा, और जब पैसा बहुत ज्यादा फैल जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब डिमांड बढ़ जाएगी, अगर सप्लाई कम हो गई, अगर सप्लाई कम हो गई, डिमांड बढ़ गई सप्लाई कम हो गई, तो उसके दाम बढ़ जाएंगे, उसके दाम क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और सरकार को लगे कि लोन की दर ये हमारी कम है, इससे बाजार में महंगाई बढ़ रही, क्योंकि सप्लाई बढ़ा दी आपने, और सप्लाई अगर बढ़ जाएगी, बात समझिए, अगर सप्लाई मुद्रा की बढ़ जाए बाजार में, इसका मतलब मुद्रा का मान क्या हो गया, कम हो गया, यही तो होता ना। तो अगर सरकार को लगे मुद्रा का मान कम हो जाएगा, अगर मुद्रा का मान कम हो जाएगा तो यहां क्या होगा, देखिए यहां से क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ मनी, ये आपकी मुद्रा का मान है ना, मुद्रा का मान ये कम होगा, ठीक है। और क्या दूसरा प्रभाव क्या होगा, वस्तु या सेवा है ना, गुड्स एंड सर्विसेज, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इनकी कीमत बढ़ जाएगी, और यही दशा महंगाई कहलाती है। तो ऐसा ना हो इसीलिए, ऐसा ना हो इसीलिए सरकार जब अगली मौद्रिक नीति लेकर आएगी, अगली मौद्रिक नीति लेके आएगी तो सबसे पहले ब्याज दर बढ़ा देगी, अगर उसको कम करना तो वो क्या कर देगी, मान लिया 7% कर दिया, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, 7 इतना अचानक नहीं बढ़ा देगा कोई, ठीक है, लेकिन समझ लिए 7% कर दिया, तो अब हमें भी कितना देना पड़ेगा, कॉमन मैन को 9 रुपए देना पड़ेगा, 9 रुपीज पे करना पड़ेगा, है ना। जब हमें अचानक ब्याज दर बढ़ता नजर आएगा तो हम क्या करेंगे, अपनी डिमांड कम कर देंगे, जब डिमांड कम कर देंगे तो सप्लाई तो इतनी बनी हुई है, क्योंकि है ना, तो डिमांड कम कर दिया तो
प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस भी जो वस्तु और सेवाओं का मूल्य बढ़ रहा ये हल्का हल्का क्या हो जाएगा, कम होना चालू हो जाएगा और फिर से मुद्रा का मान ठीक हो जाएगा, बढ़ेगा। मतलब इस प्रकार से हम मुद्रा का मान जो है जो कम हो रहा था उसको हम रोक सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया भाई कि मौद्रिक नीति के माध्यम से मॉनेटरी पॉलिसी की हेल्प से बैंक की दर को बढ़ा करके हम लोग मनी सप्लाई को नियंत्रित कर सकते हैं। इसका मतलब देश में महंगाई को भी नियंत्रित किया जा सकता है मौद्रिक नीति की मदद से। उम्मीद करता हूं थोड़ा सा समझ आया होगा, थोड़ा आइडिया लगा होगा, बाकी जो अगली क्लास होगी उसमें क्लियर इन्फ्लेशन समझेंगे। आज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको मॉनेटरी पॉलिसी समझ आ जाए, ठीक है। तो दोबारा हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब जैसे इन्होंने सुबोध जी ने एक बात पूछी थी मतलब कमेंट करके कि इसमें ऋणी को लाभ कैसे होता है, तो मैं आपको एक बात ऐसे, हालांकि अगली क्लास में और क्लियर होगा बट आप समझिए। मान लिया कि मैं आगरा साइड, यूपी में आगरा वाली जो बेल्ट है यहां पर पोटैटो का प्रोडक्शन बहुत होता, आलू का उत्पादन बहुत होता, ठीक है। चलिए मैं किसान हूं और अपने खेत में पोटैटो का मतलब लगा रखा, आलू खेत में लगा रखे, ठीक है, और मुझे पैसे कम पड़कर दवाई के लिए छिड़कने के लिए, करेक्ट है। तो मैं अभी जाऊंगा अपने पास, मान लिया अपने पड़ोसी से मैंने बोला भैया 100 रुपए मुझे उधार दे दीजिए, मुझे क्या है दवाई वाई लगानी है, छिड़काव करना है आलू, तो मैं 100 रुपए लेके चला, बात को समझिए। और वो बंदा क्या करेगा, उसी 100 रुपए के आलू लेने गया, 20 रुपए किलो आलू था उस समय, तो वो 100 रुपए के 5 किलो लेके आया। हमने 100 रुपए दिया, मतलब हमें उसने 100 रुपए दिया और उसी समय 100 मतलब आलू का एग्जांपल लेते हो समझिए, हमें जब उसने 100 रुपए उधार दिया उस समय आलू का दाम कितना था, 20 रुपए, तो 5 किलो आलू बराबर उसने हमें पैसा दे दिया, हम लेते चले आए, हम ऋणी हो गए, उसने हमें ऋण दिया, ठीक है। अब देखिए जब 3 महीने बाद मतलब जब आलू मेरा बिक गया मंडी, पैसा आ गया, तो हमने कहा भैया ये आपका 100 रुपए पकड़ो, आपने मेरी मदद करी, थैंक यू सो मच, आपका ये अमाउंट रहा। तो बोलेगा यार ठीक है लाओ दे दो, वो लेके 100 रुपए जाएगा मार्केट में और आलू खरीदेगा, और अगर उस समय आलू का दाम मान लिया 30 रुपए हो गया, 40 हो गया, है ना, मान लिया 25 ही हो गया, तो अब देखिएगा 25 हो जाएगा तो सिर्फ 4 किलो आलू लेके आएगा, समझ आई बात नहीं। और 4 किलो मान लिया, अगर उसने हमसे बोल दिया कि आलू तुम भी लगाते हो हमें आलू दे दो, तो हम उसे 4 किलो आलू दे देंगे मतलब बाजार के भाव, तो हमारा क्या 100 रुपए उतर जाएगा। अब आप देखिए उसका जो 100 का नोट जब उसने 3 महीने पहले आपको दिया था उस समय उस नोट की ताकत थी 5 किलो आलू खरीदने की, लेकिन महंगाई में क्या हो गया कि अब जो उसे पैसा मिला है जिसने उधार दिया था, अब उसके नोट की कीमत क्या रह गई, सिर्फ 4 किलो आलू खरीद, समझ आई बात नहीं, मतलब क्या है। और उसमें जो ऋणी था मतलब मैं था, तो मुझे लाभ हो गया, अगर मैं अपने घर में आलू हूं मैं सिर्फ 4 किलो 5 किलो आलू उससे लेके, ऐसे मानिए उधार जब लिया था तो 5 किलो लिया था और देने गया तो सिर्फ 4 किलो देने, तो मुझे 1 किलो आलू क्या हुआ, फायदा हुआ। इसीलिए मुद्रा स्फीति में, ये मैंने एक छोटा एग्जांपल बताया, बाकी अगली क्लास में आपको प्रॉपर कई सारे एग्जांपल बताऊंगा, इधर रट जाएगा चिंता मत करिए, ठीक है। और सब एकदम अपने देसी इंडियन मैं आपको एग्जांपल दूंगा ताकि आपके दिमाग हमेशा के लिए फिक्स हो जाए, क्योंकि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो कि सिलेक्शन में भी काम आएगा और बाकी आपके जीवन में भी काम आएगा, ठीक है। खैर देखिए बात समझिए, तो अब इसमें क्या हो गया कि जिसने उधार दिया था उसको सिर्फ अब बेचारे 5 किलो आलू दिया, 4 ही मिला, नुकसान हो गया ना, और जिसने लिया था 5 किलो लिया और 4 ही किलो देना पड़ा, तो इसीलिए उधार लेने वाले को फायदा होता है और देने वाले को नुकसान होता है, ठीक है। कई और सारी बातें वो सब समझेंगे, है ना, ये आप अच्छा समझ आ गया जी, ठीक है। तो ये अब आपको एक चीज बताऊं, ये सेम प्रश्न जो है स्टेटमेंट की मतलब मदद से 2013 यूपीएससी पीटी ने प्रश्न पूछा था, जो आईएएस का प्री एग्जाम होता है उसमें ये प्रश्न आया था, है ना। तो ये सब बड़ा अच्छा चैप्टर है, तो ढंग से पढ़ेंगे तो आपको और सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं, फिर से बात समझ आए मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, तो इसमें क्या है, ब्याज दर बढ़ाएंगे तो बाजार में पैसा कम हो जाएगा, समझ आई बात नहीं, ब्याज दर कम करेंगे तो बाजार में पैसा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इतनी बात समझिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका एक ऑब्जेक्टिव हमने क्या देखा था मॉनेटरी पॉलिसी का, कि उस ऑब्जेक्टिव में इन्फ्लेशन भी था, मतलब मुद्रा स्फीति को क्या करते थे, कंट्रोल करने की क्षमता भी दिखाई जाती थी, ठीक है। अच्छा आप लोग कहां गए, प्लीज लाइक और शेयर करते रहिए, है ना। तो सुबोध कुमार जी एक्टिव हैं, जितेंद्र जी हैं, अंसार अली जी हैं, है ना, तो प्लीज सब लोग थोड़ा एक साथ लाइक और शेयर करते रहिए, है ना, तो वही एनर्जी से फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। अगर कुछ नहीं समझ आया यहां तक वो बताइए, उसको मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक,
क्योंकि देखिए उद्देश्य यह है कि जो भी अपना टाइम लगा रहा है इस समय उसको कुछ नया सीखने को मिले, तब ना आपका ऑनलाइन आने में फायदा है ना, इतना टाइम दे रहे हो। अगर कुछ नहीं समझ आया मुझे बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो चीज आपकी मतलब समझ में आए। ठीक है, खैर देखिए ऑब्जेक्टिव समझ आएगा आप आगे बढ़ते। ये देखिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसकी बात मैं आपको बता रहा था, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की हम लोग बात करेंगे कि उर्जित पटेल साहब से पहले है ना, रणबीर जी का चलिए कमेंट आया, चलिए ठीक है, कुछ लोग एक्टिव हो जाते हैं, थैंक यू भाई, सब लोग आते रहेंगे तो ठीक लगेगा। देखिए अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करेंगे, उर्जित पटेल जी ने जो है इसको इंट्रोड्यूस किया था, उनके टाइम पे ही ये जो कमेटी आई थी, इससे पहले क्या होता था, ये पूरा का पूरा डोमेन आरबीआई के नियंत्रण में था। देख लीजिएगा ये जिनका कलर येलो मतलब बना रखा पीले रंग के हैं, ये सब लोग क्या है, आरबीआई के हैं। ठीक है, और इस जो कमेटी का जो चेयरपर्सन होगा वो आरबीआई के गवर्नर होंगे, है ना। इस समय गवर्नर कौन है, मिस्टर शक्तिकांत दास साहब हैं, है ना, आरबीआई के गवर्नर। ठीक है, खैर तो तीन लोग किसके हो जाएंगे, आरबीआई को तीन किसके हो जाएंगे, सरकार के हो जाएंगे। छह लोगों की पूरी क्या हो गई, कमेटी हो गई। यही लोग मौद्रिक नीति का निर्धारण देश में करते हैं, है ना, समझ आई बात नहीं। अच्छा ऋषि प्रजापति जी आपकी क्लास कैसे ले, अरे आप क्लास ही तो ले रहे हैं, बाकी कुछ अगर चेंज होगा मैं आपको बता दूंगा भाई, है ना। ठीक है चलिए, अच्छा है। अच्छा ये देखिए इकोनॉमिक्स क्या है, जनरली इसके टेक्निकल टर्म नहीं समझ आते हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको वो सब एग्जांपल दूं जो आपके सराउंडिंग में होता है ना, जो आपके आसपास जो चीजें होती हैं, है ना। हाँ, क्लास कैसे मिलेगी, अभी आपको जो मेरी क्लास सभी को मिले 9:30 to 10:30 एक घंटे की होती है, उसके बाद जो अगर चेंज होगा मैं आपको सूचित करूंगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, देखिए तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करें, उसमें ये सब लोग तीन लोग आरबीआई के, तीन सरकार के होते हैं, और ये जब व्यवस्था लागू की गई उस समय गवर्नर कौन था, उर्जित पटेल थे। कौन था, उर्जित पटेल साहब थे। अब आगे देखिएगा मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स क्या क्या है। ठीक है, देखिए तो क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, इसको समझाने की मैं कोशिश आपको करूंगा कि ये कैसे कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो पहला देखिएगा इसमें CRR है, कैश रिजर्व रेशियो, है ना, कैश रिजर्व रेशियो। तो ये एक बार समझ लेते हैं, इसी टाइप में सब कुछ चलेगा, है ना, तो एक बार CRR को समझने की कोशिश करते हैं। समझ आ रहा सभी को, अच्छा आपको पेड वेट चाहिए तो आपको जल्दी सूचना मिलेगी, है ना। ऋषि प्रजापति जी आपको जो है, आप KD कैंपस लाइव में जब जाएंगे ना, तो वहां पर आप कॉन्टेक्ट करिएगा टीम से, टीम आपको जल्दी ही जो है सूचित करेगी, आपसे संपर्क करेगी। ठीक है, चलिए भाई देखिए CRR की बात हम लोग करने वाले हैं, ये क्या है, उसके बाद जब समझ लेंगे तब आपको ये चीजें आप समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए RBI और बैंक और हम लोग मार्केट कॉमन मैन, यही होता है, ऐसे ही काम चलता है। ठीक है, ठीक है, चलिए RBI बैंक को बोलेगा कि आपके पास जितना भी डिपॉजिट है, सौरभ जी हाय, हाँ जी ठीक है सौरभ जी, स्वागत है आपका, आप लेट आया थोड़ा, है ना, जल्दी आया करो प्लीज, है ना। जो लोग रेगुलर मतलब हैं जो चैनल पे जुड़े हुए मुझसे, वो प्लीज टाइम से आया करें, है ना। ठीक, देखिए तो RBI ने बैंक को 100 रुपीज, मतलब RBI ने बैंक को बोला भैया कितना डिपॉजिट है, तो इसने बताया सर 100 रुपीज। ठीक है, तो बोलेंगे ठीक है जितना नगद है उसका पर्टिकुलर एक परसेंटेज आपको रिजर्व में रखना पड़ेगा, रिजर्व में रखना पड़ेगा। मतलब क्या है, जैसे अभी मान लिया बैंक के पास 100 रुपया है तो 100 का 100 लोन पे दे दिया। ठीक है, इसको आप अगर आसानी से समझना चाहें तो यह है कि अगर अभी बैंक के पास कोई रेट नहीं चल रहा, वो क्या कर रहा, 100 रुपये उसके पास आए, 100 उसने दे दिया। अगर कोई दिक्कत हो जाए कि बैंक के पास पैसा कम पड़ जाए, बैंक के पास लिक्विडिटी खत्म हो जाए, नगदी खत्म हो जाए, और मान लिया जिसने डिपॉजिट किया अपना पैसा मांगने जाए, बैंक बोले यार तो खत्म हो गया, हमने सब इकट्ठा करके टाटक दे दिया, तो आपका और हमारा भरोसा बैंक पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ आई नहीं,
आपका हमारा भरोसा बैंक में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम बैंक में पैसा नहीं जमा करेंगे, अपने घर में रखेंगे, तो क्या फायदा बैंक लाने का, ये तो हम लोग पहले भी करते आए। तो ये दशा ना हो, इसीलिए आरबीआई ने क्या किया, ये सब व्यवस्था मॉनेटरी पॉलिसी थ्रू की जाती है कि भैया जितना कैश आया है इसका, मान लिया कि अभी समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूं, ठीक है, कि 5% आपको बचा के रखना है, मतलब अब लोन देने के लायक कितना पैसा आपके पास है, सिर्फ और सिर्फ जो 5% हटा देंगे तो 95 रुपीज बचेगा। मतलब यह है कि अब लोन देने के लिए पैसा कितना उपलब्ध है, नकदी कितनी उपलब्ध है, सिर्फ 95 रुपीज। चलिए भाई ठीक है, और ये बाजार में पैसा चला गया जब 95, उसने 5 रुपए रख दिया। और देखिए इस सीआरआर पर जो 5 रुपए रखे हैं आपने 100 के, है ना, 5% निकाल के, उस पर आरबीआई बैंक को कोई भी ब्याज नहीं देता है। बट ये चीज जरूर है कि इसके आधार पर इनको अगर बैंक रन की कंडीशन आ जाती है, बैंक के पास में नकदी कम हो जाती है, तो फिर आरबीआई आपकी मदद करेगा ताकि बैंक डूबने से बच जाए। आई थिंक समझ आया होगा ठीक। अब देखिए अगला स्टेप देखिएगा, समझने की कोशिश करिए ठीक है, 5 मिनट की कोशिश और करेंगे तो मतलब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, है ना। देखिए जब 95 रुपीज का सर्कुलेशन था मार्केट में, अगर सरकार को लग जाए तो ये सर्कुलेशन 95 रुपीज जब आप दे रहे हैं तो बाजार में महंगाई है, मतलब इन्फ्लेशन है। क्या है, महंगाई या इन्फ्लेशन आ रहा, तो आप क्या करेंगे, फिर आप इस 95 को कम करने की कोशिश करेंगे। और कैसे कम किया जाएगा, तो आपने क्या बोला, जो 5% सीआरआर था, कैश रिजर्व रेशियो था, इसको बढ़ा देंगे, 7% कर देंगे, कि भैया अब आपको 97 मतलब 95 जो दे रहे थे, 2 रुपए आपका और कम हो जाएगा, अब बाजार में सिर्फ आप 93 रुपीज ही लोन के रूप में दे सकते हैं। लोन के रूप में कितना दे सकते हैं, सिर्फ 93 रुपीज। इट मींस कि इसका अर्थ ये हो गया, अब बाजार में पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, जब बाजार में पैसा ज्यादा होगा तो इन्फ्लेशन होगा, जब पैसा कम कर देंगे तो महंगाई अपने आप क्या हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी। समझ आई बात। अब देखिए इसमें कोरोना की टाइम बात बताएं, बाजार में पैसा कम है, इससे पहले क्या था, आप देखेंगे कोई अगर मान ली ब्रांडेड जींस लेने गए, वो 2000 रुपए की है, अभी उनकी सेल नहीं हो रही, वही 2000 वाली जींस आपको 1200 1300 1400 में मिल रही। मतलब क्या है, बाजार में पैसा कम तो चीजों के दाम क्या हो गए, अपने आप कम हो गए, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। तो बाजार में पैसा ज्यादा था तो महंगाई थी, पैसा क्या कर दिया, कम कर दिया। तो एक बात याद रखिएगा, तुरंत इसको नोट कर लीजिएगा ठीक है। हाँ ऋषि राजपूत ठीक, अभी समझा रहे हैं। एक बात याद रखेंगे, जब बाजार में पैसा ज्यादा होता है, मतलब मुद्रा का सर्कुलर जो सर्कुलेशन ऑफ मनी, मुद्रा का संचरण, या हमारी आपकी पॉकेट में पैसा जब ज्यादा होता है तो पैसे का मान कम होता है, इस पैसे को कम करने के लिए बैंक दर सीआरआर बढ़ा दी जाए तो हमारी जेब से पैसा कम हो जाएगा। जब पैसा कम हो जाएगा तो फिर क्या होगा, पैसा कम हो जाएगा, पैसे का मान बढ़ जाएगा, और चीजों के दाम क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे ठीक है। एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, देखिए जैसे सीआरआर जब ये 5% था, ये 100 रुपीज टोटल डिपॉजिट था, तो 100 करोड़ भी हो सकता है ठीक है ना। तो जब ये 5% था तो लोन कैपेसिटी 95 रुपीज थी, और इससे महंगाई हो रही थी, इससे क्या हो रहा था, महंगाई हो रहा था, इन्फ्लेशन आ रहा था ठीक है। अब सीआरआर हम कर देंगे 7%, तो महंगाई कितनी, मतलब पैसे देने की क्षमता 93 हो जाएगी, और अगर 93 हो जाएगी तो भाई मुद्रा स्फीति या महंगाई या इन्फ्लेशन, है ना, ये क्या हो जाएगा, अपने आप ही कम हो जाएगा। तो एक बात याद रखिएगा, अगर बाजार में मुद्रा स्फीति को नियंत्रण में करना है तो सीआरआर को बढ़ाना पड़ेगा, मुद्रा स्फीति को नियंत्रण में करने के लिए सीआरआर को बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि अगर बाजार में मुद्रा संचरण कम करना है तो भी हम क्या करेंगे, इस दर को बढ़ा देंगे। थोड़ा समझ आया होगा, आगे देखते हैं। देखिए हम सीआरआर की बात कर रहे थे, एक तो इसको मेंटेन किया जाता है सिर्फ नगदी के रूप में, कैश के रूप में, नगद के रूप में करेंगे, और आरबीआई के साथ रखा जाएगा, मतलब शेयर नहीं करेगा पब्लिक के साथ, मतलब लोन नहीं प्रोवाइड करेगा इस अमाउंट से, और डेली बेसिस पे होता है, इसको डेली बेसिस मेंटेन करते हैं, और इस पर
कोई भी इंटरेस्ट आरबीआई के द्वारा सरकार को मतलब बैंक को नहीं दिया जाता है, ठीक है। ये फैक्चुअल चीजें आपको याद रखनी होंगी। अब जरा कमेंट पढ़ते हैं, क्या भाई ऐश्वर्या, ओके ठीक है जी, है ना, ओके जी ठीक है, इसी को रिपीट कीजिए। ऋषि प्रजापति ठीक है करेंगे भाई ऐश्वर्या सर, ये क्लास रेगुलर, हाँ रेगुलर चलती है जी, है ना। अच्छा ऋषि प्रजापति जी क्या रिपीट करना, अच्छा सीआरआर को कैसे मतलब महंगाई कैसे नियंत्रित होती है, ठीक है वेट करिए अभी बिल्कुल करेंगे, है ना। पहले इसके बारे में लिख लीजिए, डेली बेसिस पे होता है और आरबीआई के साथ पैसा रखेगा मतलब बैंक रखता है, ठीक है, और इसको कैश की नकदी की फॉर्म में रखा जाता है। उसके बाद एसएलआर है, तो चलो मैं दोनों एक साथ आपको समझा देता हूँ फिर से, ठीक है, तो चीजें और क्लियर होंगी। ध्यान से सुनिएगा बस थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा मन लगाइएगा 2-3 मिनट का और एक चीज क्लियर हो जाएगी, है ना। देखिए मान लिया ये हमारी आरबीआई है और आरबीआई ने बैंक को पैसा दिया 100 रुपए, या पैसा नहीं दिया तो अभी ऐसे रखिएगा, आरबीआई ने किसी बैंक से पूछा कि भाई कितना डिपॉजिट है, नगद कितना रखा है, तो बताएंगे सर मेरे पास 100 रुपए आ गया जनता का, या कैसे भी 100 रुपए रखा हुआ, तो आरबीआई बोलेगा ठीक है इस नगद का जो कैश है ना, तो इसका 5% आप सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित मुद्रा का मतलब थोड़ी रखेंगे, है ना, तो उन्हें मतलब टोटल का 5% रखोगे जो कि आपको किसी को देना नहीं, हमारे साथ रखोगे, मैं रखूंगा, ठीक है, ठीक है भाई। आरबीआई को दे दिया 5% तो जब इसे देने के बाद अब बैंक के पास कितना पैसा बचा, सिर्फ 95 रुपीज बचा है, और पहले कितना था 100 रुपए था, ठीक है, लेकिन लोन देने के लिए क्या हो जाएगा, सिर्फ 95 बचेगा। चलिए भाई ठीक है, ये बाजार में पैसा चला गया। अब देखिए अगर ये 95 बाजार में जाता है और सरकार को या आरबीआई को लगे, ठीक है ना, अब सरकार लेना पड़ेगा नाम, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में सरकार के भी तो उतने ही लोग हैं जितना आरबीआई के हैं, ठीक है ना, तो अगर इनको लगे कि भैया 95 रुपीज बाजार में महंगाई को जन्म देते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस 95 को हमें और कम करना है। कैसे कम करोगे, छीन थोड़ी लाएंगे, ऐसा थोड़ी आरबीआई टीम जाएगी बैंक से पैसा ले आएगी, क्या टेक्निकल टूल क्या है, सीआरआर, अब इसको हम बढ़ा देंगे 5% नहीं 7% कर देंगे, तो लोन कैपेसिटी कम हो जाएगी, सिर्फ 93 रह जाएगी, और अब बाजार में क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। बात समझ आ गई, तो जब भी बाजार में महंगाई हो तो सीआरआर को बढ़ा दो, मंदी हो तो उसको कम कर दो। समझ आई बात नहीं, कल फिर एक बार देखेंगे सारी चीजें जितेंद्र कुमार जी, ठीक है, तो बहुत टेक्निकल चैप्टर है, तो इसको कल भी देख मतलब अगली क्लास, कल बोले तो नेक्स्ट क्लास जब भी होगी 9:30 to 10:30 उसमें एक बार हम लोग फिर से देखेंगे। अब देखिए सेम सब कुछ सेम है, दूसरा जो इसका भाई है सीआरआर का, ठीक है, वो देखिए आरबीआई बैंक से बोलेगा कि आपके पास गोल्ड भी होगा, बॉन्ड भी रखे होंगे, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज भी होंगी, है ना, तो अब क्या बोलेगा कि ऐसा है, नगद तो है कैश तो है, तो आप इन सब चीजों का मिला करके अपने हिसाब से मान लिया नियर बाई आपको 20% पैसा रखना है हमारे पास, किसकी फॉर्म में, गोल्ड है, बॉन्ड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, इन सब की फॉर्म में, उसको हम बोलेंगे SLR, ठीक है, SLR बोलते हैं, और देखिएगा समझ गया ना भाई, ठीक है ऋषि प्रजापति जी, तो ये दर 20% है। अब देखिए अगर 20% से बाजार में पैसा कैश फ्लो ज्यादा हो जा, अगर ज्यादा हो रहा तो मतलब अगर सरकार को लगे कि SLR 20% रखने में कैश ज्यादा है, तो कैश ज्यादा किसको जन्म देता है, महंगाई को, जिसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको बढ़ा देंगे 25% कर देंगे, तो जब बढ़ जाएगा तो लोन कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन भी क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, सीआरआर और एसएलआर अगर दोनों को बढ़ा दे तो बाजार में पैसा कम हो जाएगा, पैसा कम हो जाएगा, और महंगाई में क्या होता है, पैसा ज्यादा होता है, तो महंगाई से डील करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दोनों दरों को बढ़ाना पड़ेगा, और मंदी में दोनों दरें कम करनी पड़ती है। हिमानी जी वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा,
चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, बड़ा टेक्निकल सा एक टर्म है ना, उसको थोड़ा समझिएगा ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं खुली बाजार प्रक्रिया। तो प्लीज ओपन मार्केट ऑपरेशन के नाम से याद रखिएगा ठीक है ना। शुभम शर्मा जी, हाँ जी ठीक है। तो देखिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं, हमारी सरकार आरबीआई की मदद से ये काम करती है, और जो आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन है वो है किसका, हमारी केंद्र सरकार का है, और हमारी सरकार की बैंक क्या है, आरबीआई है ना। तो इसीलिए सरकार का काम है, लेकिन आरबीआई इसको डील करता कैसे करता वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं ठीक है ना। चलिए वेरी गुड मॉर्निंग जी, है ना। देखिए अब इसको समझना है ओपन मार्केट ऑपरेशन को, मान लिया आरबीआई के पास में सरकारी सिक्योरिटीज हैं या बॉन्ड्स हैं, मान लिया बॉन्ड, अभी बता देंगे क्या है, प्रतिभूतियां हैं, बॉन्ड है, कुछ भी है, अभी कुछ समझ लीजिए बस ठीक है। तो और इसने क्या बोला कि भाई बैंकों को, सब बैंकों को बुलाया कि आपको एक एक बॉन्ड खरीदना है, एक एक बॉन्ड आपको खरीदना है। तो देखिए ये बैंक है सभी, मान लिया एक बैंक है, इस बैंक के पास टोटल 500 रुपए थे, 500 करोड़ भी हो सकते हैं, अपने हिसाब डील कर लीजिएगा। तो आरबीआई के पास गया और एक बॉन्ड खरीद के लाया, उसकी कीमत थी 100 रुपीज। तो एक बॉन्ड तो इनके पास आ गया और 100 रुपीज कहां चलेगा, आरबीआई के पास। तो टोटल बैंक के पास नगद कितना बचा, 400 बचा। कितना बचा, सिर्फ 400 बचा। मतलब यह है कि जब बॉन्ड आरबीआई बैंक को देता है तो बैंक से पैसा मिलेगा, तो इससे क्या हो जाएगा, बैंक के पास जो ऋण देने की क्षमता है, जो लोन कैपेसिटी है, वो कम हो जाएगी। इट मींस कि इस प्रोसेस से बाजार में पैसा कम होगा, बैंक के पास पैसा कम होगा। इसका अर्थ ये भी है कि जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बैंक को देता है और बैंक से पैसा लेता है, इसका एक ही मोटिव होगा कि बाजार में पैसा क्या हो, कम। बस 2 मिनट सर, है ना। अच्छा ठीक, तो एक बार बस 1 मिनट और ध्यान से दिलाएगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। अगर सरकार को लगे कि बाजार में पैसा क्या है, कम है, तो अब आरबीआई क्या करेगा, बैंक को देगा बॉन्ड, मतलब बैंक को पैसा देगा कि आप 100 रुपीज लीजिए और आप हमें बॉन्ड दे दीजिए, जो बॉन्ड आपने हमसे लिया था बॉन्ड दे दीजिए। तो बैंक के पास जो अभी 400 था वो प्लस 100 हो जाएगा, मतलब 500 हो जाएगा। तो इट मींस कि ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या हो सकता है, सिक्योरिटीज को गवर्नमेंट की जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं बेची भी जाती हैं और खरीदी भी जाती, दोनों काम करते हैं वो, सिर्फ और सिर्फ जरूरत के हिसाब से ठीक है। तो आगे भी बहुत सारा काम बाकी है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर द टुडेज क्लास, मिलते हैं, जय हिंद।